हेलो दोस्तों, मैं आदेश आज आपके समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री से एक टॉपिक फिर लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विद्रोह या रिवॉल्ट। यहाँ से यूपीएससी द्वारा विद्रोह और उनके सन दे दिए जाते हैं और वह आपसे सम्मिलित करवाता है। तो आइए चलते हैं, पहले विद्रोह हम पढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह, यह है आपका 1763 में ग्री संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। यह आपका बंगाल में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उल्लेख आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। जब यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो वहाँ के लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। इस विद्रोह के प्रमुख नेता आपके चिराग अली व देवी चौधरानी थे। यह वारन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था और वारन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत प्रयास करा और अंत में जा कर के यह विद्रोह को दबा पाया था। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें, चुवार विद्रोह, यह आपका 1768 ईस्वी में हुआ था। यह मिदनापुर जिले की आदम जाति द्वारा स्टार्ट किया गया था। चुवार लोगों ने भूमि तथा अकाल के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह में ढोलका, कैलापाल, बाराभूम के राजा सम्मिलित थे। इस विद्रोह में आत्मविनाश की नीति अपनाई गई थी। अगले विद्रोह के बारे में बात करें तो पागलपंथी विद्रोह आता है आपका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आपका 1825 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। यह उत्तरी बंगाल में स्टार्ट हुआ था। यह क्रमशाह द्वारा चलाया गया था। बाद में क्रमशाह के पुत्र टीपू ने इसकी शुरुआत करी थी। 1825 में क्रमशाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ यह विद्रोह स्टार्ट किया था। अगले विद्रोह की बात करें, फरियाजी विद्रोह, या कभी कभी यह फयाजी के नाम से भी आ जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। यह 1838 में स्टार्ट हुआ था। यह भी आपके बंगाल के फरीदपुर में स्टार्ट हुआ था। यह शरीयतुल्ला द्वारा स्टार्ट किया गया था तथा बाद में उनके पुत्र दादू मियाँ ने स्टार्ट किया। बाद में इस विद्रोह के समर्थक वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं और यह विद्रोह बंद हो जाता है। अगले विद्रोह की बात करें तो अगला विद्रोह आपका नील विद्रोह या नील आंदोलन है, जो कि 1861 में स्टार्ट हुआ। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को उत्पीड़ित किया गया और उनसे नील की खेती करवाई गई। यह नील की खेती आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राज्यों में करवाई गई, जिससे किसानों की भूमि जो है, उनकी उर्वरता जो है, ख़त्म होती चली गई। तो उससे किसानों ने शुभ होकर नील विद्रोह कर दिया। मोस्टली यह बंगाल के नदिया जिले से स्टार्ट हुआ था और नील विद्रोह का वर्णन दीन बंधु ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में प्रकाशित किया था। इस आंदोलन की बेसिकली शुरुआत दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास द्वारा शुरू किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्रोह है ये नील विद्रोह आपका, इसको देख लेना। अगले विद्रोह की बात करें तो पाबना विद्रोह है। यह 1870 में स्टार्ट हुआ था। यह आपके पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसको किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा शंभूपाल थे। दोस्तों, इसमें ये जरूर देख लेना, ढाका कृषि लीग की स्थापना 1870 में हुई थी और पबना कृषि लीग की स्थापना 1873 में पबना विद्रोह के समय पर हुई थी। तो इसका ईयर पूछ लेता है, ढाका कृषक लीग और पबना कृषक लीग का।
अगले विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह आता है, इसे उल गुलाम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह हमारा तीन बार हुआ था, एक आपका 1820 में शुरुआत हुई थी और एक 1899। तो 1899 वाला ईयर आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में 1899 देता है मैचिंग में। इसको सरदारी विद्रोह या सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यह बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया था और यह विद्रोह छोटे नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें, संताल विद्रोह, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 1855 में स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व आपके सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में किया गया। बाद में इसे सोदर भाई व चांद भैरव ने स्टार्ट किया। बेसिकली ये एरिया बिहार एरिया में पड़ता है। उस समय में भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कोल के नाम से जाना जाता है। यह विशेष रूप से संथाल बहुल क्षेत्र था। तो पूछ लेता है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? दामन एक कोल। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह, यह 1812 में स्टार्ट हुआ था। यह भील जाति के लोगों द्वारा पश्चिमी तट पर स्थित खानदेश में निवास करने वाले लोगों ने शुरुआत की थी। पश्चिमी तट की बात करें तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया आता है। वहाँ पर खेती से संबंधित कठिनाइयों को देखते हुए यहाँ के किसानों ने इस विद्रोह का शुरुआत करा। यह पहले महाराष्ट्र तथा बाद में राजस्थान तक फैला गया। यह विद्रोह सेवरन के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था दोबारा 1825 में। ऐसे आपको दोस्तों 1812 ही याद रखना है, इसका सन एग्ज़ाम में 1812 ही देता है। अगले विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह आता है, जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। और दोस्तों 1920 में ही एक और आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो आपको इजी रहेगा याद करने में कि मोपला विद्रोह 1920 में स्टार्ट हुआ था। यह केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा स्टार्ट किया गया था। आरंभ में तो यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। इसमें महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग प्राप्त था, लेकिन बाद में इसने हिंदू मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। आपके इससे दो आंदोलन जो है याद हो रहे हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन और मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें तो यह पाइक विद्रोह आता है। यह 1817 में हुआ था। पाइक विद्रोह का आरंभ अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध किया गया था और यह बेसिकली उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था और इसके प्रमुख नेता बख्शी जग बंधु थे। अभी हाल ही में पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे होने के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसके बाद आपका अहोम विद्रोह आता है। यह 1828 में स्टार्ट हुआ था। यह असम में स्टार्ट हुआ था। इसमें कुली वर्ग के व्यक्तियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर, जब बर्मा युद्ध हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ वायदे किए थे, लेकिन वो अपने वायदों से मुकर गए, तो असम के कुली वर्ग द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। अहोम विद्रोह के समय कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए असम के महाराजा पुरंदर सिंह को सारे अधिकार दे दिए गए थे और यह विद्रोह शांत हो गया था। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें तो कुका विद्रोह आता है।
इसकी शुरुआत पंजाब में हुई थी 1840 में। 1840 में कुका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन देते हैं वो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, आपका दे दिया कुका आंदोलन, होम आंदोलन, मुंडा आंदोलन और सन्यासी आंदोलन, और आपके सन दे देता है। आपको अब मैचिंग करनी है कि कौन से ईयर में आपके ये आंदोलन हुए थे। तो देखिए कुका आंदोलन का बताइए, गैस कीजिए कब हुआ था। तो आपका कुका आंदोलन 1840 में हुआ था। अहोम आंदोलन की बात करें तो ये दोस्तों आपका 1828 में हुआ था। मुंडा आंदोलन की बात करें तो यह आपका बताइए कब हुआ था, 1899 में। और बाकी एक बचा सन्यासी विद्रोह, ये आपका 1763 में। दोस्तों अगर आपको दो आंदोलन भी पता है उनके सन, तो आप तीसरा चौथा को आराम से इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से आंदोलन या विद्रोह किस जगह पर हुए थे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कुका आंदोलन, अहोम, मुंडा, सन्यासी और उनके स्थान या राज्य है। तो कुका आंदोलन आपको पता है कि कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। अहोम कहाँ हुआ था, असम। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अहोम ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो असम। मुंडा आपका नागपुर या छोटा नागपुर, और सन्यासी आंदोलन आपका बंगाल। तो दोस्तों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विद्रोह दे देगा, सन दे देगा या स्थान दे देगा। तो हमेशा यूपीएससी द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।